द्वारकामांथी ઝડપાયેલી નશાકારક સિરપ કેસના તાર અન્ય રાજ્યોમાં પહોંચ્યા છે ત્યારે આયુર્વેદિક પીણાની આડમાં આ નશાકારક સિરપ કેસ ચર્ચામાં છે। અમદાવાદ બાદ હવે પંજાબના સંગુરમાંથી વધુ એક ફેક્ટરી પકડાઈ ગઈ છે ત્યારે પંજાબના શખ્સ દ્વારા 2.85 લાખની બોટલ આયુર્વેદિક સિરપનું વેચાણ કરાયું હતું। અહીં દ્વારકા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે ત્યારે નશાકારક સિરપ અને લેપટોપ સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો છે। ફેક્ટરીના માલિક સંચાલકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। अमुक दिवस पहला अमारी जे खंभालिया थाना इंचार्ज जोशी है अने टीमे भानवड़ी विस्तार में थी एक गोडाउन में थी आयुर्वेदिक पीणाना आश्रे लगभग 15,500 जेटली बोटल जे छे कब्जा कर्या हता। एनी जे मार्केट वेल्यू छे आश्रे 26 लाख जेटली होय छे। एना पछी प्राथमिक तपास में खबर पड़ी कि जे एमां आरोपी छे एना पासे जे कायदेसर परवानगी होवी जोईए एस ए टू लाइसेंस होवू जोईए एना पासे नथी हती अने बधा खोटा दस्तावेज आधार जे छे वेचाण चालतो हतो। एना आधारे 10 ऑक्टोबरे एक गुना दाखिल करवामां आवेलो हतो खंभालियामां जेमां आईपीसी अने नशाबंदीना अलग अलग कलमो हेठळ गुना दाखिल करवामां आवेलो हतो अने एमां जे 3 आरोपी स्थानिक 2 एक तो अक्रम अने बीजू चिराग थुबाणी एनी अटक करवामां आवेल हती। एना पछी एक पंजाब में संगूर जिल्ला में पंकज खोसला आरोपी ने पण अटक करवामां आवेल हती। एनी एक अहींया पेढ़ी छे अने एक आयुर्वेद नी फेक्टरी पण छे। एमां ऊंडाणपूर्वक तपास करी एमां डीप इंट्रोगेशन करवामां आवेल हतो आरोपीओनो। एना पछी जे मोबाइल माथी जे साइंटिफिक एविडेंस होय चैट छे ऑडियो रिकॉर्डिंग छे जेटली पण डिटेल छे बधी भेगी करीने ए पण तपास करवामां आवेल हती। एना पछी जे अहींया जे फेक्टरी छे अहींया पण रेड करवामां आवेल हती। एमां खबर पड़ी कि जे आरोपी छे पंकज खोसला एना पासे कायदेसर परवानगी जे होय छे एना मिसयूज करीने एना फेक्टरी उपर फक्त एंड फक्त नशा माटे ए आयुर्वेदिक पीणा नामे छेतरपिंडी करता हता अने एल्कोहोलिक पीणा मेन्युफेक्चर करता हता अने फक्त एंड फक्त गुजरात ने टार्गेट करीने अहींया ए अलग अलग जिल्लाओमां एना जे स्थानिक डिस्ट्रीब्यूटर्स छे एना मोकलता हता।